कभी घर पे मटर मशरूम नहीं बनेगा कि मम्मी यहाँ पे इधर मुड़ो। ये देखो गाइस, तो गाइस हमारा नंबर लग चुका है। कितनों की लव स्टोरी यहाँ, केसरिया तेरा। गाइस आज मैंने ना रात के कितने बजे व्लॉग शुरू किया है, रात के 9 बजे है। 9 बजे मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि ना ध्रुव को एकदम से एलर्जी हो गई, फूड एलर्जी। और अभी जैसे ही मुझे लगा, मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, इस तरह के रैशेज हुए थे। जैसे ही पता लगा हम ऐसे ही केमिस्ट के पास गए और केमिस्ट की शॉप से हमने सिट्राजिन प्लस एविल की टैबलेट्स लेके आई हैं। तो अभी मैंने इसको सिर्फ एक सिट्राजिन दिया और इसकी हालत ना ख़राब हो गई। अभी 1 घंटे वेट करती हूँ, फिर मैं एविल दूंगी। मुझे लगा कि हमें ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि फूड से कभी भी एलर्जी हो जाए तो घबराना नहीं है, जैसे कि ध्रुव घबरा रहा है। यार ये तो बढ़ रही है, देखो गाइस, मतलब ना ये फील हो रहा है ऐसे। तू छू, कैसे लग रहा है कि मेरी बॉडी से ना कुछ निकल रहा है? सुन मेरी बात, ऐसे छूते रहोगे ना तब तो ज्यादा होगी। बेचारा ये गाइस देखो, गर्दन तक हो गई, देखना कैसे फील हो रहा है, कैसे उभर रहे कांटे जैसे ना। हाँ, सेवी को देखना, जब से पता चला ना ऐसा लग रहा है इसको सब पता है, बहुत परेशान हो रखा है। ध्रुव के इधर उधर ही भाग रहा है। कुछ नहीं होता, हो जाऊंगा ठीक है यार, इसमें क्या है। ध्रुव अभी सिट्राजिन दी है ना, तो मेडिसिन यार, ये जिससे जहर नहीं होता गाइस, जैसे अगर सांप काट ले तो जहर पूरी बॉडी में फैल रहा है, वैसा जैसा फील हो। थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि दवाई असर करने में भी टाइम लगता है। अभी मैंने बस ऐसी अंजना को दिखाया था और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब कभी घर पे मटर मशरूम नहीं बनेगा क्योंकि मुझे भी एलर्जी होती है और अब ध्रुव को भी होगी। खुद ही लाया मटर मशरूम और मैंने वो धोया भी, 3-4 बार मैंने मटर वो मशरूम धोया। उसके बाद इसने खाया और इस एकदम से इसको पहले गले में थोड़ी थोड़ी दर्द होने लगी। फिर इसने बोला मुझे कि मेरी ना स्किन देखियो, तो मेरे पीछे कुछ रैशेज हो रहे हैं। तो जब मैंने देखा तो भाई पूरा रेड रेड हो गया था। हम उसी टाइम ऐसी कंडीशन में, बस यहाँ पे वो तो थैंक गॉड हम सिटीज़ में रहते हैं तो हमारे यहाँ केमिस्ट हॉस्पिटल अवेलेबल होता है, वरना अगर कुछ मतलब ज़्यादा भी प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल यही नियर बाय है तो हम जा सकते हैं। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना घर में हो जाती है गाइस, तो बी अवेयर। हमेशा ना अपने पास मेडिसिन का बॉक्स रखो जिसमें हर एक कॉमन मेडिसिन हो, वो सबके पास ज़रूरी होनी चाहिए। गांव में तो ज़रूरी होनी चाहिए सबके पास क्योंकि हॉस्पिटल से दूर होते हैं, तो तब तक आप मेडिसिन दे सको। अलग अलग तरह का था, कईयों को नौजिया, कईयों को वॉमिटिंग, कईयों को डायरिया, कईयों को कॉन्स्टिपेशन, कईयों को फीवर भी आ जाता है। बहुत बहुत मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है गाइस, इसीलिए ना तो अभी बस अभी मम्मी का कॉल आया था तो मम्मी को बताया, तो मम्मी ने बोला कि मैं 10 बजे कॉल करूंगी कि क्या होता है। व्हाइट व्हाइट पैचेस से दिख रहे हैं यहाँ पे, इधर मुड़ो, हो जाएगा ठीक। मशरूम की वजह से ही होया होगा, मशरूम की वजह से ही हुआ है। पापा ध्रुव को बोल रहे हैं कि और भी लोगों की होती है एलर्जी, तो घबराने की भी है ना। यार निशान तो दिखेगा ना पागल, निशान तो दिखेगा जब एलर्जी भी है। अभी मैं देखती हूँ अगर ठीक होता है तो ठीक है, वरना एविल की टेबलेट दे देंगे। 10:30 हो गया है, अब सुबह की अपडेट देती हूँ आपको कि सुबह ठीक रहता है कि नहीं रहता। अभी तो हो ही रहा है इसको, तो अभी मैं एविल की टैबलेट दे रही हूँ इसको, तो मिलते हैं सुबह। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, उठ चुका हूँ मैं और फ्रेश हूँ एकदम। आज वैसे मेरा ऑफिस था बट मैंने आज वर्क फ्रॉम होम लिया है क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत एलर्जी है बॉडी में, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा क्यों वाई टू टेक रिस्क कि ऑफिस जाऊँ और कहीं वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उससे अच्छा मैं घर पर ही काम कर लूँगा। और अंजना भी बना रही है ब्रेकफास्ट, तो देखिए जरा अंजना का क्या चल रहा है ब्रेकफास्ट में। पनीर, तो कल बनाया था अंजना ने मशरूम जिसको खा के हो गई थी एलर्जी। तो मैं पहले पूजा की तैयारियां करता हूँ और उसके बाद फिर आके देखते हैं क्या बनता है। तो गाइस पूजा इज डन, अब मैं करूँगा अपना वर्क फ्रॉम होम का सेटअप। पूरा सेटअप करने के बाद फिर मुझे काम शुरू करना है क्योंकि मैं देखो यार ऐसा है कि मैं घर पे रहूं या ऑफिस में रहूं, मैं काम में कोई ऐसी दिक्कत नहीं चाहता कि भाई मेरी वजह से कोई काम में दिक्कत हो। तो अब मैं काम डेडिकेटली करूंगा, तब तक अंजना ब्रेकफास्ट वगैरह बना देगी, तब वो काम शुरू करते हैं। सुबह से शाम हो गई है, मेरा ऑफिस भी ख़त्म हो गया है। अभी भी यार ये ना प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है बढ़ ही रही है और मैं सोच रहा हूँ कि इसका ना चेकअप करवा ही देता हूँ। और मेरे को ना इसमें ना थोड़ा बहुत चुभन जैसी भी हो रही, चुभ जैसे रहा है ये सारा एरिया। ये देखो पूरा यहाँ पे ना, ये देखो गाइस कैमरे में ढंग से विजिबल नहीं है बट ये ना बढ़ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ यार व्हाई टू टेक रिस्क,
एक काम करता हूँ, हॉस्पिटल जाके चेक करवा ही देता हूँ। अंजना भी रेडी है, टेंशन नहीं लेनी है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। चले, चलो, चलो। दरवाजा खुला है, हाँ। सेवी आए हम बस, अभी आए बस। ठीक है बेटू। अंजना तेरा भी कुछ काम है छोटा मोटा? मेरे को वो जो ड्रेस ली थी मैंने ब्लू कलर की, वो चेंज करनी है। वो तो बोल रही थी तूने चेक करी थी वो। अब क्या हुआ? मेरे पति को पसंद नहीं आई, तो जो चीज मेरे पति को पसंद आए वो हम कैसे पहन सकते हैं? देख रहे हो, पसंद खुद को नहीं आई है, नाम पति का लगा रही है, बहुत चालू है अंजना। चलो एनीवे गाइस चलते हैं। ये देखो गाइस, अब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ अच्छे से। पहले ना दिख नहीं रहा था कैमरे में अच्छे से, मतलब ये बड़ी रही है ना अंजू? हाँ, तो इससे अच्छा एक बार, क्योंकि हमने पूरी सिट्राजिन एविल वगैरह तो ले लिया है, तो अगर कुछ एक बार स्किन वालों को दिखा दे ताकि शॉर्ट हो जाएगी प्रॉब्लम क्या है, मतलब डॉक्टर्स टेस्ट उस्ट करके बताए मेरे लिए क्या चीज ठीक नहीं है, तो सब कुछ मेरे को आइडिया लग जाएगा इस चीज का। यहाँ पे एक एस्ट्रल स्किन वर्ल्ड, तो यहाँ जाके चेक करवाते हैं। जब भी चेक करा कि इसका शटर बंद है, तो मैं सोच रहा हूँ उससे पहले ना अंजना का एक छोटा सा काम है स्टूडियो में, वो करवा देते हैं, उसके बाद चलते हैं हॉस्पिटल फिर। ठीक नहीं है? क्योंकि ना फिर बोलो क्या होगा गाइस, वो है फ्लाईओवर के उस पार, फिर हमें यूं घूम के दोबारा इस साइड ही आना पड़ेगा, तो उससे अच्छा मैं पहले इसका काम भी निपटा देते हैं। स्टूडियो जाके देखते हैं अंजना का टॉप चेंज होता है कि नहीं। आई एम नॉट श्योर, बिल तो पड़ा है यहाँ पे, बिल भूल रही है। देखना अंजना बिल भूल रही है, सबसे बड़ी बात, बिल कैसे भूल गई? बिल नहीं भूलना ना, तो देखते इसका एक्सचेंज हो पाता है कि नहीं। वाह यार, कलेक्शन तो बहुत बढ़िया इनके पास। इसने पता नहीं क्या खरीदा, अच्छा है, इतने सारे ऑप्शंस थे, तूने क्या लिया वो? अब यहाँ देख तो कितने सारे चॉइसेस है। लड़कियों जरूर आओ यहाँ पे एक बार, आप इसको समझ नहीं आ रहा। एक तो ध्रुव, ये ले। अगर तेरे को मैंने कभी बोला कि ये तेरे 20,000 रुपए फटाफट शॉपिंग कर, 5 मिनट में कर लेगी, नहीं होगी। मतलब इसके बस की नहीं है शॉपिंग इतनी फास्ट। फ्री हो चुके हैं, अंजना का सामान भी आ गया है, और मैंने भी जॉगर खरीद लिया। मैंने सोचा यार जब आए हैं तो कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। अब चलते हैं हॉस्पिटल डायरेक्टली। ढाबा समझ के मत सोचना कि हम ढाबे में जा रहे हैं, यहाँ पे बस मैंने गाड़ी पार्क करी है। हॉस्पिटल थोड़ा ना उस साइड है, मैंने सोचा क्यों इतना लॉन्ग टर्न लेना, यहीं से ही गाड़ी पार्क करके पैदल पैदल चलते हैं। अब करना गाइस ये रोड क्रॉस, ट्रैफिक देखो आप जीरकपुर का, और भाई हिम्मत, लोग भी देख रहे हैं कि भाई ये क्या करना चाह रहे हैं, बट कोई नहीं, हम क्रॉस कर लेंगे, उसमें क्या है, इतना डिफिकल्टी है अभी के लिए है नहीं, पर देखना वापसी जब आएंगे ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीरकपुर के ट्रैफिक का इतना खौफ है कि पैदल चलना पड़ रहा है हमें, क्यों? अगर खौफ नहीं होता तो पैदल नहीं चल रहे होते। और थोड़ा ना हल गया होता है, इतना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है ब्लॉगिंग करने का पब्लिकली, तो मेरे को वही कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो उस पर वर्क कर रहा हूँ गाइस मैं। थोड़ा मैं शर्माता ज़्यादा हूँ, अंजना कम शर्माती है। वाह गाइस, आज का दिख रहा मैं बफे एट 99 रुपीज। वाह यार, हमें ये पता था, गाड़ी में कहाँ पता चलता, चल सही है ना यार। एज पर गूगल मैप यहीं कहीं है हॉस्पिटल, अब दिख नहीं रहा मेरे को। फाइनली गाइस मिल गया ये रेनोविन, ध्रुव इंटीरियर्स में जाना, ऊपर जाना रेनोविन में हमने। चलो भी गाइस हम ऊपर आ गए, हॉस्पिटल नीचे है, और व्यू देखिए आप यहाँ से, क्या अल्टीमेट व्यू है जीरकपुर का, नाइस। चलो भाई नीचे चलो, नीचे वाला है हॉस्पिटल। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं, बड़ी मुश्किल से मिला है, चले गए थे बट नीचे है, बस अभी पर्ची काटी है, अब हम दिखा देंगे, वेट कर रहे हैं। तो गाइस हमारा नंबर लग चुका है, पर डॉक्टर अभी प्रोसीजर रूम में बस आ ही रहे हैं, अब आएंगे। बड़ी मुश्किल से तो हमें मिला है, वरना हम तो हॉस्पिटल जाते। एक्चुअली गाइस क्या हुआ ना, अगर हम हॉस्पिटल जाते तो हॉस्पिटल में अभी OPDs ओपन नहीं होती है, वहाँ पे इमरजेंसी में उसको एविल का इंजेक्शन लगा देना था, बोला था कल OPD में आओ आप। वी आर डन, क्या हुआ कैसा हुआ सब कुछ आपको गाड़ी में जाके बताता हूँ मैं, क्या डॉक्टर ने बोला। गाड़ी के पास पहुँच गए, यहाँ ढाबे तक आए बट आज यहाँ नहीं खाएंगे, क्योंकि देखो घर में अंजना ने बहुत बढ़िया राजमा चावल बनाए हैं, तो वो खाएंगे। बनाने हैं हाँ। चलते हैं घर, और डॉक्टर ने यार क्या बोला घर जाके बताता हूँ, यहाँ पे शोर है बहुत ज्यादा। ये ना एक क्रेडिट कार्ड वाले भैया कब से ध्रुव को कल से कॉल कर रहे हैं, और मतलब 100 फोन आ गया अलग अलग नंबर से, तो ध्रुव ने उनको बुला ही लिया है, अब ये ना क्रेडिट कार्ड दे रहे, बाकी क्या सीन है बताएगा ध्रुव।
हाँ जी, क्या सीन है? बनवा रहे थे, क्रेडिट कार्ड बन रहा है। ओह माय गॉड। आइसक्रीम खानी, थप्पड़ खाने हैं, मार खानी? अंजना पागल है, सारा अंदर सुनाई दे रहा है। मैं इतने आराम से बोल रहा हूँ फिर भी सुनाई दे रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। तेरे लिप्स, चल मैं तेरे लिप्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कुछ बोलियो, क्या कोका? कुत्ता? कुत्ता हो रही है मेरे को, भूखा खाना। पता नहीं गाइस, मेरे को नहीं आती लिप सिंक पढ़नी, इसको अच्छी से आती है लिप सिंक पढ़नी। ये हो गया काम। तो भाई रास्ते में नए भैया बहुत टाइम से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि यार क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, इनके पास भी प्रेशर आ रहा था ऊपर से, तो मैं कहा चलो कोई नहीं कर देते हैं। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ कुछ ना कुछ होता ही है यार, सोसाइटीज में होता ही है। बड़ा कुछ खाने पीने का चलना है, खाना तो नहीं है। राजमा, ओहो अंजना की राजमा है घर पे यार, बनाई नहीं है अभी बनेगी, इसने बस भिगोई है कब से। मेरी राजमा मैंने सिटी भी लगवा दी है, सिटी लगवा दी है, तड़का मारना है, बस तड़का मारना है। चांद देख मां बे चांद, ओहो देखो चांद, वाओ यार गाइस कितना बढ़िया लग रहा है। नजर आया चांद मेरा दिल, चांद सिफारिश जो कर दे हमारी। आ जाओ लिफ्ट आ गई है। आजकल बोला क्या होता है, आजकल ऐसा होता है कि लिफ्ट आ जाती है और अंजना पता नहीं कौन से ध्यान में खोई होती है। मैं अभी तो फटाफट तैयार हुआ यार, ऑफिस निपटाया और उसके बाद तैयार हुए। बाकी आपके याद मैं शेयर करता हूँ हुआ क्या वैसे एक्चुअली। सेवी, ओ मेरा सेवी, क्या सुंगी कर रहा है बेटू। घर पहुंच गए हम और सेवी में से आते ना चिमट गया, इसमें परेशान हो गया था क्योंकि दिन भर मैं बड़ा तंग था यार इस प्रॉब्लम से। अभी क्या हुआ, डॉक्टर ने बस ये बोला है कि यार आपको मशरूम की वजह से तो नहीं हुआ ये चीज़, ये आपको कोई बॉडी रिएक्शन हो गया है, और ये अच्छा हुआ आप टाइम से आ गए वरना ये और ज़्यादा फैल सकता था। और उसके बाद उन्होंने मुझे कल बुलाया भी ये टेस्ट करने के लिए, वो उस हिसाब से मेडिसिन देंगे। बाकी उन्होंने थोड़ी बहुत ऑइंटमेंट्स दिए कि इस पर लगाए ताकि इचिंग ना होए। बाकी कैसा रहता है गाइस, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस्ड। बाकी ये है कि अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखे यार, जितना हो सके फ्रूट्स वेजिटेबल हर चीज़ खाए, क्योंकि देखो आजकल के टाइम में ना बहुत नई नई टाइप की बीमारियां आ रही है, तो वी नेवर नो कि किस चीज़ से क्या हो जाए। तो उससे अच्छा है कि आप अपना टेक केयर पहले ही करें, अपने विटामिन मिनरल्स जितनी भी चीजें है कोई कमी ना हो आपको, और हाइड्रेटेड रहे सबसे इम्पोर्टेंट। करता हूँ यार मैं ब्लॉग एंड, थोड़ा ना मैं थक भी गया हूँ और थोड़ा ना अजीब सा फील हो रहा है। बाकी दवाई दुवाई खाएंगे, खाना खाएंगे, अंजना की हेल्प भी करूंगा मैं। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए ब्लॉग एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए टेक इट इजी ब्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग्स। बाय बाय।